जिसने भी पापा पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा। ₹2023 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल को सिनेमा घरों में आज से तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। फिल्म ने दो हफ्तों में तो ताबड़तोड़ कमाई की थी, लेकिन बढ़िया बात ये है कि फिल्म तीसरे हफ्ते में भी शानदार कलेक्शन करती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सुपरस्टार रणबीर कपूर बॉबी देओल की फिल्म एनिमल के 15 दिनों के वर्ल्ड वाइड सभी भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बताने वाले हैं शाहरुख खान की डंकी और प्रभास के सलार के ओर से एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो विक्की कौशल की शाम बहादुर के भी अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनिमल फिल्म कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। दीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी एनिमल फिल्म, जिस फिल्म में दमदार एक्शन था और बहुत सारा वायलेंस, यह फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म के बारे में ही बात कर रहा है। मतलब कि कुछ लोगों को फिल्म जबरदस्त लगी, फिल्म में रणबीर कपूर का काम और बॉबी देओल के काम ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फेमिनिस्ट टाइप के लोग हैं जिन्हें फिल्म से काफी ज्यादा आपत्ति थी और फिल्म का उन्होंने खुलकर विरोध किया। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो लोग एनिमल फिल्म को पसंद कर रहे हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि एनिमल फिल्म पहले हफ्ते में शानदार कमाई करने के बाद दूसरे हफ्ते में भी दमदार कलेक्शन करने में कामयाब रही और तीसरे हफ्ते में भी यहां पर एनिमल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से कब्जा बना चुकी है। हालांकि बात करें यहां पर फिल्म के बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि एनिमल फिल्म का बजट सिर्फ 135 करोड़ रुपए है, क्योंकि इस फिल्म में काम करने के लिए रणबीर कपूर ने कोई फीस चार्ज नहीं की, बल्कि वो इस फिल्म के प्रॉफिट का एक शेयर लेने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों एनिमल फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, टोटल 5 भाषाओं में लगभग 6,500 स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज हुई। और अगर बात करें एनिमल फिल्म के 5 भाषाओं के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले जान लेते हैं विक्की कौशल की शाम बहादुर के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो इस फिल्म को भी सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज किया गया था और शाम बहादुर को भी आज हो चुके हैं 15 दिन। बता दो दोस्तों लगभग 55 करोड़ के बजट में बनी शाम बहादुर फिल्म ने एनिमल के सामने एक तरह से अच्छी खासी कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने पहले हफ्ते में 38 करोड़ 80 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था, वही दूसरे हफ्ते में फिल्म ने बढ़िया पकड़ बना के रखी और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 27 करोड़ 10 लाख रुपए का किया। हालांकि आज से इस फिल्म का भी तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते बॉलीवुड की कोई भी नई फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसके चलते शाम बहादुर के पास तीसरे हफ्ते में भी अच्छी खासी स्क्रीन से और फिल्म को उक्की पेन से भी अपने 15वें दिन काफी बढ़िया मिली। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक शाम बहादुर फिल्म अपने 15वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 2 करोड़ 10 लाख रुपए, और इसी के साथ शाम बहादुर का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 68 करोड़ का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 81 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 13 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ शाम बहादुर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 94 करोड़ 94 करोड़ का हो चुका है। आने वाले 2 से 3 दिनों में यह फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर डंकी फिल्म को सिनेमा घरों में दस्तक देने में बचे हैं सिर्फ 6 दिन। जी हां दोस्तों, 6 दिन बाद बॉलीवुड के बादशाह एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं। ऑलरेडी शाहरुख खान ने 2023 यानी कि इस साल जवान और पठान जैसी दो ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में दे दी है और इस वक्त उनकी डंकी फिल्म को लेकर भी पब्लिक के बीच में जो बज़ है वो काफी अच्छा बना हुआ और सबकी नजरें टिकी है कि डंकी भी बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ कमा पाती है या नहीं। हालांकि दोस्तों यहां पर डंकी को इस बार बड़ा मुकाबला मिलेगा प्रभास के सलार से, जिसके चलते शायद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग तो नहीं ले पाए, लेकिन अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा हुआ तो इतना कंफर्म है कि यह फिल्म लाइफ टाइम कलेक्शन पठान और जवान से भी ज्यादा करेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर राजकुमार हिरानी है डायरेक्टर डंकी फिल्म के, जिसके वजह से ही पब्लिक को फिल्म पर पूरा भरोसा है। अब आपको बता दें दोस्तों यहां पर शाहरुख खान की फिल्म डंकी की जो इंडिया एडवांस बुकिंग है वो तो
इस संडे यानी कि 2 दिन बाद शुरू होगी, लेकिन इस फिल्म की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग लगभग 1 हफ्ते पहले शुरू हो चुकी थी और फिल्म को ओवरसीज मार्केट में एडवांस बुकिंग से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने सिर्फ USA से $473,000 की कमाई की है, वही UK से $216,000 की, ऑस्ट्रेलिया से $312,000, वही गल्फ कंट्रीज से $185,000, जर्मनी से $123,000, और इसके अलावा जो बाकी बचे कुछ देश है वहां से टोटल बुकिंग फिल्म की $146,000 की हो चुकी है। यानी कि दोस्तों बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी की जो एडवांस बुकिंग है ओवरसीज मार्केट में वो वीकेंड की लगभग $14,55,000 की हो चुकी है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 12,20,00,000 रुपए बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने सिर्फ विदेशों से ही एडवांस बुकिंग में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, तो इतना तो कंफर्म है कि इस फिल्म की जैसे ही इंडिया में बुकिंग शुरू होगी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। वही दोस्तों शाहरुख खान के डंकी के एक दिन बाद यानी कि 22 दिसंबर को 2023 के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म सलार रिलीज होने जा रही है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज होगी सलार, जिस फिल्म की एडवांस बुकिंग आज से इंडिया में शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, आज से 12 बजे इस फिल्म की इंडिया की एडवांस बुकिंग पूरी तरह से ओपन होने वाली है, लेकिन यहां पर सलार की जो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग है वो लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय पहले शुरू हो चुकी थी और फिल्म को एडवांस बुकिंग में जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से कमाल का है और डंकी से ज्यादा एडवांस बुकिंग ओवरसीज मार्केट में सलार की हो चुकी है। अगर बात करें सलार के ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों यहां पर सलार फिल्म ने सिर्फ USA से एडवांस बुकिंग में $953,000 की बुकिंग की है, वही UK से $387,000 की, ऑस्ट्रेलिया से $291,000, वही गल्फ कंट्रीज से $88,000, इसके अलावा जर्मनी से फिल्म के बुकिंग $72,000 की हो गई है, तो बाकी बचे कुछ देशों से $132,000 की। यानी कि दोस्तों प्रभास की फिल्म सलार की जो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग है वीकेंड में वो हो चुकी है $19,23,000 की, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 16 करोड़ रुपए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की जो वीकेंड की बुकिंग है विदेशों में वो 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है, और आज से जैसे ही इस फिल्म की इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू होगी तो पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी एडवांस बुकिंग में ताबड़तोड़ कमाई करेगी। हालांकि दोस्तों कल से आपको सलार के इंडिया के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की डेली रिपोर्ट भी आपके अपने AKB मीडिया चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं एनिमल के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों एनिमल फिल्म जब रिलीज हुई थी तो फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले हफ्ते में यानी कि 7 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 338,63,00,000 रुपए का किया था। अब दूसरे हफ्ते में बॉलीवुड की कोई भी नई फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसके चलते दूसरे हफ्ते में भी एनिमल फिल्म ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 142 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किया। हालांकि दोस्तों बात करें इस फिल्म के आज के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आज से इस फिल्म का तीसरा वीकेंड शुरू हो चुका है, और बढ़िया बात क्या है कि तीसरे वीकेंड में यानी कि इस हफ्ते भी बॉलीवुड की कोई सी फिल्म रिलीज नहीं हुई जिसका पूरा फायदा फिर से एक बार एनिमल को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एनिमल फिल्म को आज यानी कि अपने 15वें दिन जो ऑक्यूपेंसी मिली है मॉर्निंग वाले शोज में वो काफी बढ़िया है, साथ ही साथ इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग भी काफी जबरदस्त हो चुकी थी। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म अपने 15वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 9,50,00,000 रुपए, और इसी के साथ एनिमल का शुरुआती 15 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 490 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया, और आने वाले 2 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 500 करोड़ का हो जाएगा। बता दो दोस्तों इस साल बॉलीवुड ने 3 500 करोड़ की फिल्में दी है, पठान, जवान और गदर 2, और अब एनिमल फिल्म भी 2 दिनों के अंदर 500 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी। हालांकि फिल्म का जो ग्रोस कलेक्शन है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है तो ऑलरेडी काफी शानदार हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म का जो इंडिया ग्रोस कलेक्शन है वो 585 करोड़ का हुआ है, वही फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 218 करोड़ रुपए कमाए हैं, और इसी के साथ एनिमल का 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 803 करोड़ का हो रहा है। जी
जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 15 दिनों में एनिमल फिल्म दुनिया भर से 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर रही है। तो दोस्तों, फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा तो अपने 15वें दिन पार कर दिया। अब देखते हैं कि यह फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर कहां तक जाती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है एनिमल फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।